गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे यहाँ आईपीए एसोसिएशन के प्रतिनिधि आए हैं और सबसे ज्यादा तो हमारे स्टूडेंट के लिए खुशी का विषय है कि आप इनसे एमओयू साइन करके और बहुत कुछ सीखने को जिंदगी में आपको मिलेगा। मैं समझता हूं कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें से हम एक सौभाग्यशाली होंगे जिनके प्रांगण में आप जैसी हस्ती आई हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि हम आपके पैमाने पे खरे उतरेंगे, वरना अगर कोई भी कमी है बेहिच आप मुझसे शेयर करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर और डीन और एचओडी तो कॉलेज बदलते रहते हैं, लेकिन एक चेयरपर्सन और आप चेयरपर्सन एक संस्था के मेंबर जब तक रहेंगे आईपीए के हितों की बात करते रहेंगे। आज आप ही सब कुछ हैं, आपके आगे भूलना तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शर्म की बात है कि 2.5 घंटे चैप्टर चला, तीन तीन हमारे आईपीए के चेयरपर्सन और हैं, और ये आपका बड़ा भाई जो स्टूडेंट था इसने भी आपको सब कुछ बताया और कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाया। भाई हमें मरते दम तक, मैं हमेशा कहता हूं, लर्निंग प्रोसेस डेथ प्रोसेस तक रहता है। आप ये तो पूछ सकते हो भाई कि ये जो दवाई बनाते हैं यहाँ आईपीए में आने का क्या फायदा है? बी फार्मा पढ़ के हम क्या करेंगे आईपीओ में? डी फार्मा पढ़ के हम क्या करेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सर ने मेरे सामने बहुत कुछ उसके बारे में बताया था। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या है ये इंटेलेक्चुअल? भाई वो तो सर ने बता ही दिया था, मकान की दुकान की रजिस्ट्री हो जाएगी, क्यों कराते हैं, हमारा कब्जा हो जाएगा, हमारे माँ बाप जो है हमें देख के जाते हैं, आगे फिर उसमें लफड़ा पड़ जाए, जिसकी रजिस्ट्री है वो उसको मिल गई। तो क्या सीखा आपने? नहीं बता सर। फिर क्या एमओयू करेंगे तुम्हारे साथ, ऐसे स्टाफ के साथ कौन एमओयू करेगा? बोलिए सर। जो इंटेलेक्चुअल राइट्स है सर, वो हमें हमारे किसी भी इनोवेशन के प्रिजर्व कर देता है कि उसके राइट्स हमारे पास है, जो कोई और भी उसको यूज नहीं कर सकता हमारे बिना परमिशन। यस। चलिए सेकंड। सर ये आइडिया है कि हम जो भी कुछ नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है। हम बी फार्मा डी फार्मा के स्टूडेंट हैं, हम आइडिया नहीं लगा सकते। ये जो आए हैं आज, ये खस्ती हैं अपने आप में। ऑल ओवर इंडिया मैंने पहले बताया था, एक संस्था है जो आपका भविष्य बना सकती है। ये जो पढ़ाई लिखाई है ये सिर्फ आपकी पैसे की डिग्री जो मिलती है इसकी रिसिप्ट है भाई। जो यहाँ सीखोगे, जो दवाई बनाओगे उसे पेटेंट कराओगे, तुम्हारे दिमाग की जो उपज है, मैंने लिरिक्स बनाया, मैंने गाना बनाया, मैंने बुक लिखी, तो उसके राइट्स तुम्हारे पास हैं। पहले किसी की फिल्म हिट हुई, लाला जी को पता चल गया कि हीरो हीरोइन टॉप के हैं, उनके राइट्स खरीद लिए और वो जिंदगी भर पछताते रहे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस तरह के धीरे धीरे अपनी अमेंडमेंट ला करके आप लोगों के व्यक्तित्व के लिए कि बुढ़ापे की एक लाठी बन जाए, वो सारा काम करेगी ये आईपीए। लेकिन आप इस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आदमी तभी संभलता है जब उसे ठोकर लगती है। ठोकर कब लगेगी? जब 4 साल गुजर जाएंगे, टीचर पढ़ाना बंद कर देगी, 2 साल गुजर जाएंगे, फिर पछताओगे, माँ ने, बाप ने, भाई ने, बहन ने क्या सपने देखे थे और हमने क्या कर दिया। इसलिए मैं तो आपको यही कह सकता हूं कि आप अपना पैसा वसूलिए। लाइफ के 4 साल आपने जो दिए हैं उनकी जो अचीवमेंट है वो आप जिंदगी भर कहीं अचीव नहीं कर सकते सिवाय इस कैंपस के। और ये समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। आप हमेशा पंक्चुअलिटी में रहिए, सीरियसली लीजिए हर चीज को। आज ये जो दिन है हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। सर से तो आज हम एमओयू कर ही रहे हैं,
इसी दौरान हमारे बड़े भाई सीनियर आईएएस जिसने पूरे बहुत सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के संभाले हैं एलबी सिंगल जी आज हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा आपके सामने उनका सम्मान करूं एक बुके दे करके और दो शब्द आपकी कुछ आगे समझ में आए कि यस कोई भी आईएएस आईपीएस आईआरएस कभी भी किसी उम्र में बन सकता है, लेकिन उम्र तो शायद 35 से ज्यादा जाएगी नहीं, 5 अटेम्प्ट होते हैं। अभी तो तुम 20-25 साल के हो, तो बीटेक बी फार्मा एवरी ब्रांच करके भी ओल्ड राजेंद्र नगर कभी आप जाइए, आपको पता चलेगा कि 10 लाख बच्चे मिनिमम आते हैं और 100-150 बच्चे ही आईएएस बन पाते हैं। तो वो लोग भी एक उम्मीद लेकर के आते हैं और वहां पर माँ बाप के पैसे और खर्च करके भी कई दफा टॉप से बॉटम पे आ जाते हैं, लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं। और आप टॉप से बॉटम पे कभी आ नहीं सकते, बीटेक कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, 4 साल की डिग्री तो मिलेगी, डी फार्मा कर रहे हो तो मिलेगी, लेकिन डिग्री से कुछ होने वाला है। हमें जैसे कोरोना में हमारे देश का नाम ऑल ओवर वर्ल्ड फैला, किसने फैलाया? हमारे फार्मासिस्ट, हमारे डॉक्टर्स ने। मैं हमेशा कहता हूं डॉक्टर बिना फार्मासिस्ट के कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ डॉक्टर एक नाम का है, जो दवाई आप बनाएंगे वही दवाई डॉक्टर को समझाएंगे और वो रिकमेंड करेगा और एक नोबल कोज भी होगा, आपका नाम भी होगा और आपको पैसा भी मिलेगा। अभी तुम सब भागने की फिराक में हो, ज्यादा देर आपकी नहीं लेंगे, सिर्फ 5 मिनट और लेंगे। इज द रीजन एनीवन स्टूडेंट क्यों, ये लॉजिक नहीं समझ में आया? इस बच्चे ने आईपीए जिस कॉलेज से सब वो किया होगा एमओयू, वहां से स्टूडेंट चला और आज इस यात्रा पे पहुंच गया सर लोगों के साथ खड़ा होकर के और हर चेयरपर्सन से अपनी प्रशंसा करवा रहा है। तो ऐसा आप भी सोच सकते हैं। ये तुम्हारा बड़ा भाई है, कोई अभी ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बना, कोई अभी ये फार्मासिस्ट नहीं बना, और फार्मासिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए कोई पढ़ाई अनिवार्य नहीं है। शर्मा जी ने स्टार्टिंग में कहा था और मैं भी बता दूं, इंडिया में जितने भी अमीर आदमी हैं, बाहर की बात नहीं करना भाई, बाहर का बच्चा तो पैदा होते इंग्लिश बोलता है, लेकिन इंडिया में जितने भी अमीर व्यक्ति हैं मैक्सिमम ग्रेजुएट नहीं हो पाए, कारण कि उन्होंने वो संघर्ष किया और अपना लाइफ में इतना संघर्ष किया कि आज वो देश को चला रहे। सबको पता है बिरला मोदी अंबानी कहां से चले क्या हुआ, तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, सर ने बहुत समय दिया, थैंक यू ऑल ऑफ यू।